पहले आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और फिर ये एडजस्टमेंट जो हमने अभी आपको बताई है, इनके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब आपको करना है, स्टेप टू पर आते हैं हम। स्टेप टू में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखो हमें निकालना है बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा टोटल जो निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स कर रहे हैं। तो पहले स्टेप पर अभी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी कैश की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी सिर्फ आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस है अभी वो भी नहीं कंसिडर कर रहे, उससे पहले मतलब स्टेप थर्ड पर आओगे आप, स्टेप थर्ड पर जब आओगे तब हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखेंगे। अभी उससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आपके आइटम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि आपको वो बिजनेस में करने तो होते हैं लेकिन जिस बेसिक पर्पस के लिए आपका बिजनेस एस्टेब्लिश किया है आपने, उससे रिलेटेड नहीं होते। तो उनमें से दो चीजें हैं, एक तो नॉन कैश और एक नॉन कैश एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, इन दोनों एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दोगे वापस, इनको अभी कंसीडर नहीं कर दोगे। तो नॉन कैश में आपके कौन से आएंगे कि जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं बट आप उनको कैश में नहीं करते, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट रिगार्डिंग योर बिजनेस, कि जितनी भी फिक्स असेट्स पर को में उनमें जितना भी डैमेज होता है ईयर टू ईयर, उसको आपको प्रोवाइड करना ही पड़ता है, लेकिन वो हम कहीं कैश में पे नहीं करते। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको वापस ऐड करोगे, और जितनी भी नॉन ऑपरेटिव इनकम होंगी, नॉन कैश इनकम्स होंगी, उनको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इनको आपको ऐड करना है। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे, जैसे बेटा आपका एक हो गया डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ, कोई भी चीज को आपने राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ ऑफ गुडविल, एमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ मतलब एमोर्टाइजेशन, गुडविल को किया है, पेटेंट्स को किया है, या कोई भी प्रोविजन बनाया है, ये हम प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, ये हम कैश में किसी को पे नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हैं लेकिन आपने किसी को कैश में पे नहीं की, उनको आप ऐड कर दोगे, तो उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन कैश इनकम्स को अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपने ऐड कर दिया, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होते, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे किया, अब वो आपको कैश में तो पे करते हो, आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस तो नहीं है वो, लेकिन वो हमारा ऑपरेशन, हमारा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कैश में पे करते हो, जिससे भी बैंक से लिया है, किसी पर्सनल, किसी प्राइवेट एजेंसी से लिया है, किसी से भी लिया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद अवर ऑपरेशंस, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको आप वापस ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगर आपने कोई भी डिस्काउंट दिया है तो वो भी आपका लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो उसको भी आप वापिस ऐड कर दोगे। गुडविल और पेटेंट्स और कॉपीराइट को अमोर्टाइजेशन, ये तो नॉन कैश में भी, नॉन कैश में हम इंक्लूड करते हैं, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, राइट ऑफ कोई भी किया, तो ये जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और उसके बाद नॉन कैश इनकम्स जो होंगी उनको आप हटा दोगे, माइनस करोगे, इनको ऐड करोगे एक्सपेंसेस को, और नॉन कैश इनकम्स को आप क्या कर दोगे, वापस माइनस उसमें से कर दोगे अपने प्रॉफिट में से। वो कौन कौन सी होती है बेटा, जैसे जिससे हमें कैश रिसीव नहीं होगा, नॉन कैश है तो डेफिनेटली इसमें है राइटिंग ऑफ ए लाइबिलिटी, या आपने कोई भी सपोज क्रेडिटर्स था, उसने, जैसे हम बैड डेट्स के लिए अपना प्रोविजन करते हैं, तो उस वो हमारा एक ऐसा प्रोविजन हो जाता है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा लाइबिलिटी है जिसको आपको पे नहीं करनी, तो वो हमारा एक गेन हो जाता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे एज अ गेन शो करते हैं, लेकिन वो हमने कहीं पर, कोई हमको उससे डायरेक्टली कुछ मिला नहीं है, तो
तो ऐसे जितने भी कोई भी लाइबिलिटीज को आप राइट ऑफ करो या किसी भी डेट्स को राइट ऑफ करो जो आपको पे करने थे बट इट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और एक्सेस है कोई प्रोविजन का जिसको कि आप राइट बैक करते हो तो उसको भी आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। ये दो अपनी जितनी भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिव इनकम्स को और एक्सपेंसेस को आप जब इसको कंसीडर कर लोगे तो उसके बाद हमारा आएगा कैश फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिव प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो हमें क्या वो ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी हमने जो पहला स्टेप किया था उसमें वो हमसे क्या पूछते थे, उसमें हमसे पूछ रहे थे कि आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें एक स्टेप आगे हम आ गए हैं जहां पे हमको किस चीजों को कंसीडर करना है, जितने भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं और हमारी इनकम्स हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमें दिया हुआ है। पहले आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे इसको, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमें 2,23,500 ये गिवन है। डेप्रिसिएशन हमारा कैसा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसको ऐड कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आपने कोई पे किया तो उसको भी ऐड करोगे क्योंकि वो है तो कैश लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं है, ऑपरेशन जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें नहीं आता। गुडविल राइट ऑफ की उसको भी ऐड कर दोगे। लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, एक जेन्युइन लॉस है बिजनेस का, बट ये हमारा जो रेगुलर रिकरिंग या फिर हम बोले ऑपरेटिंग जो हम ऑपरेशंस करते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, उससे रिलेटेड लॉस नहीं है, इसलिए हम ऐड कर देंगे। उसके बाद है आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखो कभी भी हम जो प्रीमियम होता है उसको हमारे वो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम ही नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रीमियम हम पे करते हैं और उसका जो लॉस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले ही नहीं जाते, वो तो हमारे डायरेक्टली बैलेंस शीट में रिजर्व्स में से कंसिडर होता है। तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने रिसीव किए ऑन द इन्वेस्टमेंट, इनकम है हमारी, हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड हो गई है, एक्स्ट्रा इनकम है, इसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमारा स्टेप थर्ड, देखो फिर से रिवाइज करो। पहला स्टेप था आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सेकंड हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम जो हमारी करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो उनकी वजह से हमारे कैश कैश पर क्या इफेक्ट है उसको देखेंगे। और करंट लाइबिलिटीज इसको हमें कंसीडर करना है। देखिए सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, इसमें करंट एसेट्स, यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज आती हैं, तो करंट एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज होती हैं इट मींस इट इज डिक्रीज ऑफ कैश, और अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज होंगी तो इट मींस इट विल बी देयर विल बी ए इंक्रीज ऑफ करंट ऑफ कैश। क्योंकि देखो करंट एसेट्स में हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्टॉक है, स्टॉक आपका पहले 10,000 का था, अभी वो 20,000 का हो गया, तो आपने परचेज किया स्टॉक का, तो जब भी आप परचेज करोगे स्टॉक का इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपने जो भी कैश के बदले इसको परचेज किया और आपके पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। तो जब भी इंक्रीज होगा किसी करंट एसेट्स में, हाँ इस करंट एसेट्स में जब हम यहाँ पर इफेक्ट देखेंगे तो इसमें आप उनको नहीं लोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लोगे, उनके अलावा जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो आपका कैश का क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है, वो माइनस होगा। और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब, जैसे हम डेटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके डेटर्स पहले 50,000 के थे और अब डेटर्स हो गए हैं 70,000 के, इसका मतलब है कि आपने और ज्यादा क्या कर दिया, ये इंक्रीज हो गया, आपने और ज्यादा गुड्स को उनको सेल कर दिया होगा। तो उसके यहाँ पर जब भी आपका ये डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इस मीन्स आपकी जो गुड्स में पैसे लगे हुए हैं वो ज्यादा, आपने उनको गुड्स
जो पहले केवल 50,000 की बाहर थी, उनको बनाने में आपने 50,000 का एक्सपेंसेस किए हुए थे, अब आपने उनको 70,000 कर दिया, तो 20,000 मोर कैश आपने उनकी कॉस्ट में इन्वॉल्व कर दिया। तो इसलिए जब भी करंट असेट्स इंक्रीज होंगी तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, और अगर आपके ये कम हो रही हैं स्टॉक, अगर आपका कम हो रहा है जैसे 10 से सपोज ये 5 हो गया, तो इट मीन्स आपने सेल कर दिया तभी वो कम हो गया, और सेल किया होगा तो आपके पास कैश आएगा, ठीक है, उससे आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से इस चीज को देखोगे। यहाँ पर अब ये करते हैं हम करंट लाइबिलिटीज का इफेक्ट। करंट लाइबिलिटीज का डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आपके पास कैश का भी इनफ्लो होगा, और अगर करंट लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही हैं तो आपका कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं कि करंट असेट्स में तो नेगेटिव इनवर्स इफेक्ट रहेगा और करंट लाइबिलिटीज में इनका डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा ऑन द कैश। तो अब यहाँ पर आते हैं हम, कैल्क चेंजेस को करने के बाद आपको टैक्स का इफेक्ट लेना है पहले। तो इस वाले स्टेप में जो स्टेप 4 आएगा उसमें आप क्या करोगे कि जितना भी माइनस करोगे सिर्फ आप टैक्स पेड, जितना भी टैक्स पेड होगा उसको आप माइनस करोगे। अब हम टैक्स पेड कौन सा वाला करेंगे, जो हमने पिछले साल में प्रोविजन किया होगा वो वाला, जो लास्ट ईयर का टैक्स प्रोविजन है। देखो आपने करंट ईयर के प्रोविजन का क्या किया था, सबसे पहले उसे वापस ऐड कर दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना भी करंट ईयर का था, लेकिन उसको तो वापस आपने ऐड कर दिया, लेकिन जो पिछले साल का प्रोविजन था ना लास्ट ईयर का, इट इज सपोज टू बी पेड इन द करंट ईयर। तो आप जितना भी टैक्स पेड, अगर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे किया, तो उसको माइनस करोगे, ठीक है, टैक्स पेड को माइनस करोगे, और अगर इनकम टैक्स पेड इसको माइनस कर दोगे, अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपका जो लास्ट ईयर का प्रोविजन होगा, जो लास्ट ईयर प्रोविजन आपको दिया हुआ होगा, वो हम ये मानकर कि जो हमारे लास्ट ईयर का प्रोविजन है उतना ही हमने इस साल में पे किया, पेड ड्यूरिंग द ईयर, उस वाले अमाउंट को आप क्या कर दोगे यहां से माइनस कर दोगे कि आपने उतना अब पे किया है, या तो अलग से दिया होगा कि कितना पे किया उसको, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है वो हम ये मानेंगे कि आपने इस साल उसे पे किया है और उसको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर टैक्स पेड को माइनस करोगे आप, ठीक है, इस वाले स्टेप में सिर्फ इतना ही आपको करना है। अगला आ जाता है हमारा, अब ये वाले जो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया, उसके स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो ये वाला स्टेप है 5th वाला, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इफेक्ट को आपने, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब ये फुल फ्लैश क्वेश्चन, हमारे जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान दो। क्या देखोगे कि बैलेंस इन द सरप्लस का जो बैलेंस था वो, ये लास्ट ईयर है आपका और ये करंट ईयर है। लास्ट ईयर का आपका बैलेंस था 2 लाख और अब कितना है बेटा, 1 लाख, ये 3 लाख हो गया। तो इट मीन्स आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना अर्न किया, 1 लाख। तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 1 लाख रुपीज आपको दिए हुए हैं। ये बिल रिसीवेबल है, ये आपका किस में आता है हमारा, जब हम निकालेंगे कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, वहां पर हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के इफेक्ट को देखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले आपका 3 था और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 320, इसका मतलब है कि आपने 20,000 और राइट ऑफ कर दिया, तो यहां पर प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना किया 20,000। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटीज के साथ देखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स के साथ, गुडविल देखिए पहले 2 की थी अब 160 की रह गई, तो मींस 40,000 आपने राइट ऑफ कर दी, तो प्लस गुडविल राइट ऑफ, ₹40,000 की इन्वेंटरी। अच्छा बेटा एक बार और चीज होती है, कई बार क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में ओपनिंग आपका 2 लाख है और फिर ये गुडविल आपकी रिड्यूस होने के बजाय क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर ये 2,40,000 हो जाती है तो इट मींस इट इज अ परचेज ऑफ गुडविल, आपने राइट ऑफ नहीं की, आपने क्या किया, परचेज की है, और परचेज गुडविल इज अ फिक्स असेट्स, वी विल ट्रीट इट एज अ फिक्स असेट। तो जब हम कोई भी
फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको हम ऑपरेटिंग में कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन अगर कम हो रही है तो वो राइट ऑफ होगा, उसको हम ऑपरेटिंग में यहाँ पर ऐड करेंगे। 160 के पास जो ये हमारा 1,60,000 आएगा, इसको टर्म का नाम क्या दोगे, ये होगा क्या, इसको बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो वर्किंग कैपिटल की करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के जितने भी थे वो हमने भी छोड़ दिए हैं, तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले चीजों को देखोगे, देखो बी आर इज ए करंट असेट, करंट असेट्स 140 से 180 हो गई है यहाँ पर देख रहे हो आप, तो ये इंक्रीज हो गई है, इसको आपको इन्वर्स करना है, इन्वर्स मतलब रिड्यूस माइनस करना है, माइनस इंक्रीज इन द बिल्स, बिल रिसीवेबल्स माइनस करोगे 40,000। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी 16 से 40 की हो गई है तो ये 24,000 से इंक्रीज हो गई है, तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हो, ऐड करोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट आपकी 12 से रिड्यूस होकर 12 हो गई, कम हो गई, तो उसको ऐड करोगे। इनमें आप इन्वर्स दिखाओगे, और जो करंट लाइबिलिटीज का इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट, अगर कम हो रही है तो माइनस और अगर ऐड हो रही है तो प्लस करोगे। इन्वेंट्री क्यों करोगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था ना, कि जैसे स्टॉक का एक एग्जांपल दिया कि अगर स्टॉक कम हो रहा है, इट कम इस मतलब इट मींस कि आपने उसे सेल कर दिया है और कैश आपके पास आ गया है, कैश का फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो उसी की तरीके से आप बाकी की करंट असेट्स को भी सोचोगे और फिर उसके बाद डील करोगे। स्टॉक का देखिए 140 था, अब 180 हो गया, तो आपने और परचेज कर लिया, कैश गया होगा, तो इसको माइनस करोगे। ठीक बेटा, इतनी एडजस्टमेंट 1,60,000 के बाद ये दोनों माइनस करके और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर प्रॉपर आपको स्टेटमेंट शो करनी है, तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा दैट विल भी यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट एंड लॉस 120 था पहले, अब 110 हो गया, इट मीन्स इट इज ए लॉस, तो आप इसको पहले ही नेगेटिव फॉर्म में लिखोगे कि -10,000, इट इज अ लॉस। ट्रेड रिसीवेबल अभी एसेट्स के साथ करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट इसको भी एसेट्स के साथ करेंगे। गुडविल देखिए 76 से 80 की हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई है, तो मीन्स इट इज अ परचेज ऑफ गुडविल, वी विल ट्रीट व्हेन वी विल कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये परचेज ऑफ गुडविल है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट्स के साथ, और बीपीपी ट्रेड पेबल्स भी करंट एसेट्स के साथ, तो यही हमारा ये जो आपको दिया हुआ है यही हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एज पर या लॉस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप बोलो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स प्रोविजन या इनकम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, यही है सिर्फ, अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो आप पहले इसमें से हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के आप कर दोगे एडजस्टमेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डेटर्स पहले 62 के थे, अब 50,000 के हो गए, तो ये कम हो गए हैं बेटा, तो जब हमारी करंट एसेट्स कम होती है तो इट इज इनफ्लो ऑफ द कैश, ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है 42 से 24 की हो गई, 18,000 से कम हो रही है, तो आप आउटफ्लो होगा, कम करोगे, माइनस वाली आइटम्स में आ जाएगा ये। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 4 का था, अब 8 का हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। ट्रेड पेबल्स हैं लाइबिलिटी 38 की थी, 26 की हो गई, कम हो गई है, तो कम हो गई है तो आप भी कम करोगे। 12 तो बेटा इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स इज 2,50,000, ये बिफोर टैक्स है, और आपने ये सारी चीजें जो बिफोर हैं एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स एंड फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, तो उससे आपको बनाना है। इसमें दोनों चीजों को इंक्लूड किया है, आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी, एक्सपेंसेस को भी, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी करंट एसेट्स का हम भी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस उसको भी हम लेंगे। तो पहले देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,50,000, वो हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स असेट्स इसको ऐड करोगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को ऐड करोगे,
ट्रांसफर टू रिजर्व्स को भी ऐड कर दोगे और गेन गेन को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। यहाँ पर यहाँ आ जाइए कि ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स पहले थे 220, अब हो गए 230,000, 10,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ट्रेड पेबल्स में 1,50,000 से ये हमारे कितने हो गए, 1 लाख हो गए, कम हो गए हैं, तो क्या करोगे। ट्रेड पेबल में हम जैसे पॉजिटिव उसी तरीके से करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये कम हो रहा है तो आप भी माइनस करोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट्स हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐड कर दी जाएगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमें चाहिए होता है आफ्टर टैक्स 3,40,000 है, हमें चाहिए होता है बिफोर टैक्स, तो आप उसमें क्या कर दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दोगे। एज पर 31 मार्च 2, एज ऑन 31 मार्च 2019 हमें ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। डेप्रिसिएशन चार्जेस 849,000, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लोगे कितना हुआ है, 3,40,000, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 3,40,000। उसके बाद हमें ये है आफ्टर टैक्स, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम्स। तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर का प्रोविजन था 19, इस करंट ईयर का प्रोविजन कितना है, 13,000, तो 13,000 आप ऐड कर दोगे। ये प्रोविजन फॉर ये वाला जो है, ये 19,000 हम पेड वाला कंसीडर करेंगे ना, कि लास्ट ईयर में का जितना प्रोवाइड था वो हम इस करंट ईयर में पे करेंगे, तो इसको तो माइनस किया जाएगा। जो ये इस करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो हमने इस साल किया है उसको, और हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमने इसलिए इसको ऐड कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल्स, ये सारी आइटम्स हमारी वर्किंग कैपिटल की हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 49,000, देखो बेटा ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया 3,53,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स। फिर उसमें हम प्लस करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस को, तो 49,000 जो आपने डेप्रिसिएशन किया वो ऐड कर दोगे। इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ है, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको माइनस कर दोगे। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी माइनस करोगे, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। एंड अपियर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैलकुलेट द फ्लो, ये हमें करना है, तो इतना करोगे पहले, फिर उसके बाद वर्किंग। इन्वेंट्रीज हैं आपकी 72 से 69, 3,000 कम हो गई, ऐड कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 61 से 94 हो गए, तो 33, यस 33,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको माइनस करोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 से 14 हो गए हैं, करंट एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है, माइनस किया जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 78 से 82, तो मींस 4,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इनके केस में हम क्या करते हैं, सेम जैसे भी होगा उसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करोगे। ये वाला हो गया हमारा, अब इनको आप कर दोगे, ये जो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इनका जो भी कैलकुलेट करके आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टैक्स पेड, जितना किया है उसको माइनस करना है। ये जो आपने देख रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये हमारे थे करंट ईयर के प्रोविजन, तो ये तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए क्योंकि हमारा हमें चाहिए बिफोर टैक्स, जो भी हमने इस साल का प्रोविजन किया, तो टैक्स पे कितना किया होगा, जो हमारा लास्ट ईयर का प्रोविजन था बेटा 19,000, वो हम जिस भी साल के लिए प्रोवाइड करते हैं उसको हम पे करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। मीन्स ये जो हमने लास्ट ईयर का प्रोवाइड किया था एक्चुअल में इसको पे किया होगा इन द करंट ईयर, तो हम माइनस इसमें से ये वाला जो टैक्स पेड है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी, लेकिन ये कौन सा है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम्स थी हमारी, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, इसमें हमने दो चीजों को कंसिडर किया था, एक तो इंश्योरेंस क्लेम का हुआ था हमें, इंश्योरेंस जो क्लेम मिला, और दूसरा एक था गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दो हमने अपने नॉन कैश या एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम का बेटा मिला है हमें, ये कैश में मिलेगा, देखो ये तो कैश का, तो इस पे जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये
हमारा कोई भी कैश से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जितना भी टोटल अमाउंट उन इन्वेस्टर पर मिला होगा वो हम करेंगे कैश फ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट, उसको सेल करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये भी वहां पर ही जाएगा। इसलिए ये वाला जो हुआ है इंश्योरेंस क्लेम है, ये हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान के पहले इसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, इस प्रॉफिट को ऐड नहीं किया था, इस कैश को ऐड नहीं किया था। अब जब हम लास्ट में ये जो 20,000 हमें मिले तो हैं, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्स लिमिटेड ने अर्न किए हैं प्रॉफिट ये 5 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो जब आफ्टर चार्जिंग है तो यहाँ पर ऐड करोगे इसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस में, एंड ट्रांसफर जनरल रिजर्व 150 उसको भी ऐड किया जाएगा, 1,50,000 ट्रांसफर टू रिजर्व्स, गुडविल अमोर्टाइज की वो भी ऐड होगी, ये भी आपकी ऐड हो जाएगी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन इसको माइनस कर दोगे क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स का 30,000 बैलेंस था एंड इंक्रीज, ये हमें नेट ही दिया हुआ है, इंक्रीज है तो माइनस कर दोगे, कोई भी करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो माइनस करोगे, क्रेडिटर्स एंड इंक्रीज ऐड कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज है माइनस करोगे, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होती है उसमें डिक्रीज है तो उसका हमें रिवर्स करना होता है ना, तो ये जब यहाँ पर डिक्रीज है तो आप इसे ऐड करोगे, बिल्स पेबल में अगर डिक्रीज हुआ है तो आप भी डिक्रीज मतलब माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें डिक्रीज है तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है और उसमें सेम करते हैं, कम हुआ है तो आप भी कम करोगे, डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग। बेटा इसको अब आपको एक फॉर्मेट में करके करना है क्वेश्चन।